Hello everyone, I am Rashmi. Welcome back to your favorite YouTube channel Sudha Sara Tutorial. In this video we will discuss about class 6 social science chapter number 5 the Vedic Age and the Chalcolithic Settlements उसका question answer discussion करेंगे इस part में. तो अगर channel में नया हो तो पहले channel को subscribe कर लीजिए ताकि जो भी video upload होगा उसका notification आपके पास पहुँच सके. तो चलिए discussion करते हैं इसका जो question answer है. पार्ट ए में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस है, मतलब चार क्वेश्चन है. यहाँ पर ऑप्शन चार भी है, क्वेश्चन के लिए चार ऑप्शन है और सही ऑप्शन को हमें चूज करना है. पहला क्वेश्चन है द ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ डैश हिम्स. ऋग्वेद में कितना स्तोत्र है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1028. इसका सही आंसर होगा 1028. बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 1030 नहीं, 1032, 1024 भी नहीं, बस उसका सही आंसर होगा 1028 हिम्स. तो द ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ 1028 हिम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू द नॉलेज पास्ड ऑन इन ओरल ट्रेडिशन इज नोन एज. फर्स्ट ऑप्शन इज श्रुति, सेकंड कथा, थर्ड गीत, फोर्थ हिम्स. तो द नॉलेज पास्ड ऑन इन ओरल ट्रेडिशन इज नोन एज श्रुति. ओरल ट्रेडिशन था, उसको सुन के याद रखना पड़ता था, इसीलिए इसका नाम क्या है? श्रुति है. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नंबर थ्री डैश एनिमल वाज कंसिस्ट एज ए यूनिट ऑफ बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में जो एनिमल को यूनिट के हिसाब से लिया गया था वो कौन सा एनिमल है? डॉग है या गोट है या काओ है या फिर बुफालो है? तो इसका सही आंसर क्या है? काओ होगा. बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम का मीनिंग था एक्सचेंज, मतलब कुछ चीज़ें एक्सचेंज करके जिसको जो चाहिए वो ले सकता है. सो द काओ एनिमल वाज कंसिडर्ड एज ए यूनिट ऑफ बार्टर सिस्टम. काओ इज द करेक्ट आंसर. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर फोर है दिस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट चालकोलिथिक सेटलमेंट्स. द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट चालकोलिथिक सेटलमेंट क्या है? मेहरगढ़, कालीबंगन, इनाम गांव, बेलगांव. तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनाम गांव. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. दिस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट चालकोलिथिक सेटलमेंट्स. इसका आंसर होगा क्या? इनाम गांव. नंबर बी फिल इन द ब्लैंक्स है. नंबर बी में फर्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट वेदा इज द डैश. सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका आंसर होगा क्या? ऋग्वेद. तो सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है. द रिलीजियस फंक्शनरीज वेयर कॉल्ड डैश. द रिलीजियस फंक्शनरीज वेयर कॉल्ड डैश. तो इसका सही आंसर होगा क्या? क्लर्गी. इसका क्लर्गी होगा. बुक में है या नहीं है मुझे तो नहीं मिला, तो आपको मिलेगा तो देख लेना. तो इसका आंसर होगा क्लर्गी. इसका आंसर क्या होगा? क्लर्गी. सी एल ई आर जी वाई. क्वेश्चन नंबर थ्री है द एपिक्स डैश एंड डैश वेयर रिटन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड. वैदिक पीरियड में जो एपिक लिखा गया था वो क्या क्या था? तो इसका आंसर क्या होगा? रामायण एंड महाभारत. द एपिक्स रामायण एंड महाभारत वेयर रिटन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड. तो इसका आंसर क्या होगा? रामायण एंड महाभारत. एग्रीकल्चर एंड डैश वेयर द मेन ऑक्यूपेशंस. एग्रीकल्चर और क्या उनका मेन ऑक्यूपेशन था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा क्या? कैटल रियरिंग. एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग वेयर द मेन ऑक्यूपेशंस. सी पार्ट में नेम द प्लेस फ्रॉम वेयर द आर्यंस केम. उस प्लेस का नाम लिखो जहाँ से आर्यन आए थे. तो इसका आंसर क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट वो आए थे. इन व्हिच पीरियड डिड द वैदिक एज फ्लॉरिश. तो ये कौन सा पीरियड होगा? ये 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी होगा. तो इसका आंसर क्या होगा? नेम द प्लेस नॉर्थ वेस्ट होगा. द नेम ऑफ द प्लेस वाज नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम वेयर द आर्यंस केम. इन व्हिच पीरियड डिड द वैदिक एज फ्लॉरिश. द वैदिक एज फ्लॉरिश द पीरियड इन बिटवीन 1500 बीसी एंड 600 बीसी. वैदिक लिटरेचर वॉज कम्पोज इन व्हिच लैंग्वेज. जो वैदिक लिटरेचर था वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, कंपोज किया गया था?
तो इसका आंसर क्या होगा, संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में द वैदिक लिटरेचर वॉज कंपोज इन संस्कृत लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड के टाइम उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था। ये क्वेश्चन नंबर बी पार्ट का 4 क्वेश्चन का आंसर है, बस सेम आंसर, एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग। तो इसका आंसर क्या हुआ, एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग। सी पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है क्या, व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ पोटेरिस फाउंड इन द वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड में जो दो तरह का पोटेरिस था उनका नाम क्या था। एक था पेंटेड ग्रे वेयर एंड दूसरा था ब्लैक एंड रेड वेयर। तो इसका नाम क्या है, एक है पेंटेड ग्रे वेयर और दूसरा है ब्लैक एंड रेड वेयर। इसका आंसर हो गया पेंटेड ग्रे वेयर एंड दूसरा है ब्लैक एंड रेड वेयर। तो ये था ए बी सी, मतलब जितना शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ मैंने हमने कवर कर लिया। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।